गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो अभी कल रात बर्थडे ओवर हो गया था रात के 1 बजे। उसके बाद हम लोग सोए। आज हार्दिक स्कूल नहीं गया है क्योंकि वो भी नहीं सो रहा था रात भर, और थोड़ा सा ना सारांश पता नहीं क्यों रात भर रो रहा था, तो उसके वजह से नींद भी बार बार मेरी भी खुल रही थी, तो मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह मैं भी नहीं उठ पाई। हार्दिक को भी स्कूल नहीं भेजा, और हार्दिक भी यार फिर रात के 1 बजे सो के सुबह कहाँ 7 बजे, मतलब 6 बजे तक उसकी नींद पूरी होती। और अभी मैं बना रही हूँ आज भिंडी, और भिंडी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ मैं। कुरकुरी भिंडी जो बेसन वाली होती है, बेसन की कोटिंग करके जो बनाई जाती है, इस तरह से ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि अनुज ने कहा कि आज ऐसी भिंडी बनाओ। और आज ना मुझे काम करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी 9 बजे ही मेरी बहन गई है, मतलब वो लोग निकल गए हैं, और सब लोग थोड़ा लेट ही उठे, सब लोग आराम से 7:30-8 बजे तक ही उठे सब लोग, फिर चाय वगैरह बनाई, तो वो लोग निकल गए हैं। और मैं बना रही हूँ अनुज के लिए लंच की, मतलब तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। करण सोया है, हार्दिक सोया है, और आज इसलिए मेरे को जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि आज परमिला नहीं आने वाली है, परमिला छुट्टी में है, तो मैं आराम से काम करूंगी। आज कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे कि यार 10:30 बजे तक मुझे फ्री होना है। तो बस अभी घर का हाल बहुत बेहाल है, सब बेडशीट सब कुछ मुझे चेंज करनी है आज, क्योंकि कल रात ना सब कुछ इन्होंने बेड में ही बैठकर खाया पिया है, तो सब गिर गया था, तो वही है अभी सब चेंज करते हो। बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है यार, दो बच्चे हैं हमारे तो वैसे भी, तो इसलिए अभी सब कुछ चेंज करना है, तो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं आ गई थी अपने फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि फ्रिज तो मेरा हमेशा साफ ही रहता है, बट कभी कुछ गिर जाता है तो उस समय जल्दीबाजी में हम साफ कर नहीं पाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि हफ्ते में एक दिन तो मैं अच्छे से फ्रिज की सफाई कर लूँ, जिसमें ये भी देखना हो जाता है कि कोई चीज़ एक्सपायरी तो नहीं रखी हुई है, कौन सी चीज़ मुझे जल्दी यूज़ करनी है, कौन सी लेट यूज़ करनी है, तो बस वही सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ। तो घर में कितना सारा सामान रखा होता है डेली, तो उनको हटा हटा के हम सफाई नहीं कर पाते क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। तो हफ्ते में एक दिन मैं इन सब चीज़ों को हटाकर क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यहाँ हम सफाई करना भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। फिर घर के अंदर हम कितनी ही सफाई कर लें तो उसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। और इस तरह का जो ये ब्रश होता है ना, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा सकता है, जैसे इस टीवी के पीछे हाथ नहीं जा पाता है सफाई करने के लिए, तो मैं इस ब्रश से इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। और इस टीवी के पीछे ना मैंने एक लाइट लगाई हुई है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, और क्लीनिंग करते हुए वो निकल गई, तो बस मैं उसी को लगा रही थी। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैं आ गई यहाँ रूम में बेडशीट चेंज करने के लिए। और हफ्ते में 2 दिन में बेडशीट जरूर चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ज्यादा दिन तक एक ही बेडशीट यूज करते हुए। और परमिला के नहीं आने में ना मैं इतना फायदा उठा लेती हूँ कि उस दिन मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। घर में एक गैलरी है जहाँ पर मैंने बीच में पार्टीशन किया हुआ है इस तरह की, ये पॉली लगाकर, क्योंकि एसी के लिए हमने इसे यूज़ किया हुआ है, तो बस वही है कि आज मुझे इस पॉली को हटाना था, क्योंकि अब थोड़ा सा ना मौसम ठंडा होने लग गया है तो एसी उतना ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको हटाकर आज इसको धो देती हूँ, धोकर संभाल देती हूँ। और यहाँ पर जब मैं इस पॉली को मैं हटा लेती हूँ, तो मेरे पास एक दूसरा फैंसी सा पर्दा है, मैं उसको लगा लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना मैं पहुँच नहीं पाती हूँ क्योंकि ये जो वॉल है ये बहुत लंबी है, और मैं इतनी लंबी भी नहीं हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो मैं किचन में मेरे पास एक स्पैचुला रखा हुआ है, बस उसी में एक कपड़े को लगाती हूँ और उसकी हेल्प से मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने इस तरह का एक ये हैंग किया हुआ है थोड़ा डेकोरेशन
डेकोरेशन के लिए, तो एक बार मैं दिवाली में लेकर आई थी, बट इसमें इतनी जल्दी डस्ट जमा हो जाती है, आप देख ही रहे हो। और मैं बहुत जल्दी भी इसे क्लीन नहीं करती हूँ, मतलब मुझे 1 महीना तो हो ही जाता है इस जगह की क्लीनिंग करते हुए, और 1 महीने में ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैंने जो एक ये लिक्विड बनाया हुआ है, इसी से ही मैं इसे क्लीन करती हूँ। तो हल्का सा लगाकर उसको कपड़े से मैं साफ कर लेती हूँ, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और कभी कभी ना मैं दरवाजों के लिए भी इसी क्लीनर का यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा स्प्रे किया, उसके बाद एक कपड़े से इसको साफ किया, और फिर एक सूखे कपड़े से दोबारा से इसको क्लीन कर लिया। और बहुत से लोग सोचते हैं कि घर को साफ सुथरा रखने के लिए डेली हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी घर की क्लीनिंग करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं करती हूँ। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि हमें पहले तो चीज़ों को जगह पर रखना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए तो भाई ये हमको अपनी आदत में ही डालना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ हम जहाँ से उठाएं हम वहीं पर रख दें, और जो चीज़ हमें गंदी दिख रही है उसे तुरंत ही साफ कर लें, ये ना सोचें कि भाई हम गली से साफ करेंगे या परसों करेंगे। तो अगर हमारी ये हैबिट डेली की होगी तो हमारा घर बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं होगा, और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद मैं इस रूम में आ गई थी, इस रूम की जो ये विंडो है इसे भी मैं हफ्ते में एक ही बार क्लीन करती हूँ, और आप देखो कितनी ज्यादा ये गंदी हो गई, क्योंकि यहाँ पे बालकनी, और बालकनी से ना बहुत ज्यादा डस्ट आती है अंदर। मैं जितनी भी सफाई कर लूँ वो कम ही हो जाती है, मतलब बट मैं डेली नहीं कर पाती हूँ फिर भी, क्योंकि डेली मैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, YouTube का भी मेरा एक बहुत बड़ा काम है, तो उसे भी मुझे डेली 3 से 4 घंटा देना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं घर के काम मैंने बांटे हुए हैं कि आज मैं इस काम को करूंगी तो कल मैं दूसरा काम करूंगी, और परसों में उसके बाद मैं आ गई यहाँ वॉश बेसिन की सफाई करने के लिए। और ये वॉश बेसिन ना मतलब अभी हमने नया ही बनाया है, और सीरियसली मैंने जब से ये बनवाया है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पहले भी प्रॉब्लम लगती थी और अब भी, अब तो इसे इतना ज़्यादा क्लीन करना पड़ जाता है, बस इसके कोने कोने में कहीं पर भी पानी ना रह जाए, क्योंकि अगर पानी रह जाए तो बरसात है मच्छर हो जाएंगे। तो और उसके बाद ये जो नल है इस पर स्प्रे करती हूँ मैं कॉलिन से, क्योंकि स्प्रे करने से जो ये नल है इसमें दाग धब्बे नहीं रहते हैं, और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से इसको साफ कर लेती हूँ। और ये सूखा रहना बहुत जरूरी होता है, हमारा बाथरूम का एरिया हो, चाहे सिंक का एरिया हो, चाहे वॉश बेसिन का एरिया हो, इसको हमेशा सूखा ही रहना चाहिए, वरना यहाँ पर ना फिर कीड़े मकोड़े भी होने लगते हैं और मच्छर भी होने लगते हैं। और बहुत से लोग ना आजकल खड़े खड़े ही पोछा लगाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत अच्छा पोछा लगता है, मैं हमेशा बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, और इससे ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है हमारी। गाइज अभी मेरा काम वगैरह सब निपट गया है, पोछा मैंने लगा लिया है, अब बस नहाना रह गया और कपड़े धोने हैं। तो कपड़े मैंने सुबह ही भिगा दिए थे, बस अब मुझे नहाना है, और अभी टाइम हो गया है 2:30 बज चुका है, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज मुझे काम करते करते। सो ऐसे ही होता है यार, जिस दिन मतलब हफ्ते का एक दिन या फिर जिस दिन काम पर मिला नहीं आती है तो उस दिन मेरा ऐसा ही निकलता है। उस दिन मैं सोचती हूँ कि जितनी भी सफाई हो सके उस दिन मतलब उतनी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर परमिला सुबह आके झाड़ू पोछा कर लेती, तो उसके बाद तो यार फिर काम मतलब ये सब करने का मतलब होता नहीं है ना। तो बस वही है, अभी हार्दिक कर रहा है अपने ड्राइंग, बैठा है आराम से, और टीवी भी चला तो टीवी भी देख रहा है। अब मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए, सो नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, सारा काम निपट गया है अच्छे से और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। अब बस मेरा मन कर रहा है हार्दिक ट्यूशन जाए, उसके बाद मैं 1 घंटा आराम से सोऊंगी। और अब मैं बना रही हूँ रोटी अपने लिए और अपने भाई के लिए, कि आज दिन में चावल वगैरह कुछ भी बनानी है। तो भाई कह रहा है कि मैं मतलब रोटी खा लूँगा, तो मैं भी रोटी खा लूँगी। और हार्दिक ने तो जस्ट अभी ही 2 बजे रोटी खाई है। तो आज का व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।